अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं आपकी टीचर मिस सारा तारिक चक। आई एम लेक्चरर इन गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर द टीचर्स ऑफ ब्लाइंड न्यू गार्डन टाउन लाहौर। हम लोग कोर्स आजकल कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फॉर फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन। इसके 9th चैप्टर पे थे जो कि आखिरी चैप्टर है, और आखिरी चैप्टर का भी आज हम आखिरी टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह। ये 9.3 है, बड़ा लंबा सफ़र था हमारा जो हमने फर्स्ट चैप्टर से ये चीज़ें शुरू की, फर्स्ट पॉइंट से, और बहुत से इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और मेथड्स पढ़े। तो सबसे एंड में हम न्यू ट्रेंड और चैलेंजेस पे आ गए हैं, जिनमें से 9.3 है प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपने ज़रूर ये दोनों टर्म सुनी होंगी। आजकल प्रोफेशनल डेवलपमेंट का भी बहुत ज़माना है। पहले होता था कि एक बंदा है, उसने ग्रेजुएशन कर ली या सिंपल MA कर लिया, तो ठीक है भाई, वो सब कुछ पढ़ा सकता है, सब कुछ कर सकता है, राइट। लेकिन अब क्या ज़माना है, स्पेशलिटीज़ का, फील्ड का, डिफरेंट प्रोफेशंस का। ठीक है, तो हर प्रोफेशन एक दूसरे से बहुत वेरी करता है, और हर एक ने जो प्रोफेशनल अपनी लाइन अपनानी है वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होती है, और उसी में उसको एक्सेल करना पड़ता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ICT। प्रोफेशनली आप अपने आप को किस तरह से डेवलप करते हो, और फिर उसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, क्योंकि हमने स्पेशल बच्चों को भी आम सोसाइटी के मुताबिक ट्रेंड करना होता है, क्योंकि उन्होंने भी उसी सोसाइटी में रहना होता है जिसमें हम रह रहे होते हैं। तो ये हमारे न्यू ट्रेंड्स और चैलेंजेस हैं एजुकेशन सिस्टम के, जिनको हमें अप्लाई करना ज़रूरी है इन स्पेशल सेटअप। ठीक है, तो इस वजह से हम ये आज आपको टॉपिक करा रहे हैं कि आपको आइडिया हो कि आखिर स्पेशल बच्चों को भी किन नई नई चीज़ों की, किन नए नए प्रोफेशन की ज़रूरत है, और हमने कहाँ कहाँ उनको कवर अप देना है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम इन डिटेल करते हैं कि व्हाट इज़ प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड देन व्हाट इज़ द ICT। जी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन। प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या होती है? जो भी आपकी पर्टिकुलर फील्ड है, जो आपकी लाइन है, जो आपका प्रोफेशन है, उसमें प्रॉपर तरीके से आपकी एकेडमिक डिग्रीज होना, आपके जो है उसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना, फिर उसके बाद आपकी कॉन्फ्रेंसेस रिगार्डिंग दैट प्रोफेशन, आपकी वर्कशॉप्स रिगार्डिंग दैट प्रोफेशन, और फिर कि अगर आपने किसी को उस प्रोफेशन में सर्व किया है या कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड की। ये होती है बेसिकली प्रोफेशनल डेवलपमेंट कि डेफिनेशन उसकी ये है कि आपकी जो भी फील्ड है, जैसे हमारी आप समझ लो स्पेशल एजुकेशन, तो स्पेशल एजुकेशनिस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? एक के उसने जो है वो स्पेशल एजुकेशन में डिग्री की हो, ठीक। दूसरा, उसके पास जो है वो कोई ना कोई, मतलब जो सही प्रोफेशनल है उसने कोई कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड की हो, उसके अलावा उसने कोई वर्कशॉप्स भी अटेंड की हो, फिर उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है, उसने कितना सर्व किया है कम्युनिटी में इन इट्स प्रोफेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आप खाली डिग्री करके घर बैठ जाओ, खाली डिग्री करके
तो आप खुद सोचो कि आपकी डेवलपमेंट तो प्रोफेशनली कोई ना हुई, जब आपने कोई पेपर नहीं लिखा, आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की, आपने वर्कशॉप अटेंड नहीं की, आप उसने अपनी फील्ड में कोई जॉब ही नहीं की, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही नहीं लिया, तो आप प्रोफेशनली डेवलप तो नहीं है। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन। आगे फिर आप इसका इंट्रोडक्शन अगर देखो तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको प्रैक्टिकली सर्व करो, अगले कुछ और लोगों को वो चीज़ें सिखाओ, अपडेट अपने आप को रखो, कोई और सर्टिफिकेशन अपने प्रोफेशन में करते जाओ, मज़ीद कोई पढ़ाई करते जाओ, अपने लिए ज़िंदगी को मोर एंड मोर जो है वो प्रोडक्टिव बनाओ। इस तरह का बनाओ कि आपकी फील्ड में बहुत कम लोग आपकी तरह के, दैट इज़ बेसिकली प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कि अपनी फील्ड में आप महारत हासिल करो, अपनी फील्ड में आपको पूरा अबूर हासिल हो, आप कहाँ जा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो प्रोफेशनली आप कितने साउंड हो ये बताता है आपका पहले डिग्री, आपके मार्क्स, आपका थीसिस, आपके कॉन्फ्रेंसेस, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है, आपकी कम्युनिटी सर्विस। तो इस तरीके से आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ आते हो, और आपके पास जो स्पेशल बच्चे हैं, अगर सीनियर हैं, छोटे होते तो प्राइमरी या किंडरगार्टन बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन मिडल से जब हायर एजुकेशन की तरफ आते हैं तो उधर से ही आप उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत होती है, बच्चों को कोई रास्ता बताने की ज़रूरत होती है, उनको आप गाइड करते हो अकॉर्डिंग टू देयर डिसेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर सेवेरिटी लेवल, अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनैलिटी। ठीक है, कि वो क्या काम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, उनको आगे किस फील्ड में जाना चाहिए, फिर उसके लिए क्या कोशिशें और क्या करना उनको चाहिए, ये सब चीज़ें टीचर उनको गाइड करता है या बताता है और उनको प्रोफेशनली डेवलप करता है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। जी, स्टेप्स क्या हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट के? सबसे पहले है केस स्टडी मेथड। आपने बच्चे को या अपने स्टूडेंट्स को जब प्रोफेशनली डेवलप करना है तो उनको केस स्टडी रिसर्च करना सिखाना है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम को लेकर उसको रिसर्च आउट करना कि ये प्रॉब्लम क्यों है, इसको किस तरीके से जो है वो हम रिजॉल्व कर सकते हैं और फील्ड में इससे क्या फ़ायदा या नुकसान होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है कोचिंग। प्रॉपर तरीके से आप अपने स्टूडेंट्स को प्रोफेशनली ट्रेंड करते हो, कोच करते हो। ठीक है, उसके बाद डेवलप जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अपने प्रोफेशन में एक टीचर को बहुत अच्छी तरह पता होता है कि किस एरिया में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं या अराउज हो सकते हैं, उनको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है, सबसाइड किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि आपने किस तरीके से बच्चों को एवेल्युएशन करना सिखानी है। ठीक, कि किस तरह से फील्ड में जब आप काम कर रहे हो तो अपने काम को एवेल्युएट करोगे, अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करोगे। ठीक, प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, आपने किस तरह से अपने आप को मज़ीद डिवेलप करना है, कोई नई सर्टिफिकेशन लेनी है, कोई नया रिसर्च आउट करना है, कोई और अपने प्रोफेशन में महारत लेनी है, ये सब चीज़ें जो है आप पे डिपेंड करती हैं कि आप जो है वो किस तरीके से प्रोफेशनल डिवेलपमेंट करते हो अपने स्टूडेंट। फिर उनको असिस्टेंट, एज अ असिस्टेंट जो है देना, असिस्ट करना उनको,
उनको समझाना, साथ साथ गाइड करना, उनको पॉलिश करना, ठीक। ये कुछ स्टेप्स हैं जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर जब आप एज अ कोच, एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर अपने ऑडियंस को लेते हो, तो इन तरीकों से उनको मज़ीद प्रोफेशनली डेवलप करते हैं। उनको शौक से पढ़ाना, फिर उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देना, प्रॉब्लम सॉल्विंग से सिखाना, रिसर्च करना सिखाना, मेंटोर सिखाना, नई सर्टिफिकेशन करना सिखाना, ठीक है, एवेल्युएशन सिखाना, फिर उसके बाद उनको प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल असिस्टेंस देना, ठीक है। तो जब आप फील्ड में काम करते हो, किसी प्रोफेशन में जाते हो, जैसे आप अपनी एग्जांपल लो, आप स्पेशल एजुकेशनिस्ट बन रहे हो, तो आप केस स्टडी भी करते हो, हम आपको प्रॉब्लम रेजोल्यूशंस भी बताते हैं, आपको टीचिंग प्रैक्टिस पे भेजकर प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं, इसके अलावा आपको जो है वो असिस्ट भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, हर असाइनमेंट में, हर मौके पे आपको नई सर्टिफिकेशन भी बताते हैं कि अब ये कर लो, अब इस तरीके से कर लो। उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इन योर प्रोफेशन, जो आप मे भी बाद में समझ। और सेम गोज फॉर स्पेशल कैंडिडेट। जी, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो ICT इसकी एब्रिविएशन है, अब कॉमनली इसको कहा जाता है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये बहुत ही पॉपुलर फील्ड है, प्रोफेशन है आजकल के ज़माने में, जिसमें बेसिकली टेलीफोन्स भी आ जाते हैं, टेलीफोन नेटवर्किंग, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन भी जिसे कहते हैं। इसके अलावा इसमें मोबाइल्स आ जाते हैं, फिर आपके कंप्यूटर्स आ जाते हैं, अब इन सारी चीज़ों में सिग्नल्स आते हैं, फिर इनमें चीज़ें स्टोर की जाती हैं, डेटा प्रोसेसिंग होता है, फिर उसको मैनिपुलेट किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है। तो ये एक बड़ी वास्ट फील्ड है जो पूरी दुनिया में अब बहुत पॉपुलर है और इसको बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल, लोग इसको बहुत शौक से अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि आजकल ज़माना ही कहते हैं IT का, ठीक। आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, उसमें टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करनी है, अपनी चीज़ें भी स्टोर करनी हैं, अपनी चीज़ें लिखनी हैं, इसके अलावा नई नई चीज़ें इन्वेंट करनी हैं, ठीक, वो सारी इस फील्ड के अंदर आती हैं। सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इसमें कम्युनिकेशन भी होती है, इंफॉर्मेशन तो हमने पूरी दुनिया की जिस जगह की भी चाहें ले सकते हैं, कम्युनिकेशन के हम इसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे टेलीफोन है, आपके पास मोबाइल है, अब इसमें इतनी ऐप्स हैं, शायद मुझे भी इतना नहीं पता होगा जितना आपको पता होगा, वेबसाइट है, इसके अलावा गूगल्स हैं, मुख्तलिफ ऐप, पता नहीं वो ट्विटर है, इसके अलावा फेसबुक है, ये सब क्या है, ये सब कम्युनिकेशन के ज़रिए ही है ना, रابطہ करने के ज़रिए, एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट करने का ज़रिया, ठीक है, उनके साथ, दूसरे लोगों के साथ, चाहे दुनिया के वो किसी भी कोने में, उनके साथ कम्युनिकेट करो, उनसे बातचीत करो, उनको जो है वो जिसे कहते हैं अपनी इंफॉर्मेशन दो, उनसे लो। अब दुनिया का कोई भी कोना इस चीज़ से खाली नहीं, पूरी दुनिया में ये नेटवर्किंग चलती है, और इस वजह से कहते हैं कि हर बंदा जो है वो मॉनिटर भी हो रहा है, ठीक है। आप किसी तरह की इंफॉर्मेशन अब चाहो तो आप कंप्यूटर के थ्रू किसी भी इंसान की भी सुनह निकाल सकते हैं, आप किसी का एड्रेस लेना चाहो, किसी का फ़ोन नंबर लेना चाहो, आपके नादरा में पूरा ये सिस्टम चल रहा है कि अगर आप किसी का ID कार्ड लिख देते हो तो उसकी पूरी डिटेल A to Z आपके पास आ जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या अब शॉर्ट फॉर्म में इसको
आईसीटी के बजाय आईटी कहा था, ठीक है। जी, इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी। इम्पोर्टेंस आईसीटी की ये है कि पहले जो टेलीफोन होता था वो एक अलहदा सिस्टम होता था, उसको अलहदा से जो है वो प्रोफेशनल यूज़ करते थे, उसकी केबलिंग फ़र्क होती थी। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर की नेटवर्किंग फ़र्क होती थी, इस पे काम फ़र्क होता था। फिर मोबाइल्स आ गए, उनकी नेटवर्किंग फ़र्क है, उनके जो है मैनेजमेंट डिफरेंट है। लेकिन आईसीटी ने, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने, इन दोनों तीनों नेटवर्किंग को मर्ज कर दिया, इंटेग्रेट कर दिया है एक दूसरे के साथ। अब अगर आप किसी को कैच करना चाहो तो आप टीटीसीएल के थ्रू भी कर सकते हो, अगर आप उसकी कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहो कंप्यूटर से भी ले सकते हो, अगर आप किसी को रिकॉर्ड देखना चाहो तो मोबाइल से भी देख सकते हो। समझ आ रही है आपको? अब ये तीनों चीज़ें जो टेक्नोलॉजीज हैं ये मर्ज हो गई हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो गई हैं, एक ही केबल पे ये सारी चीज़ें चलती हैं और जो है वो इनके थ्रू आपका मुकम्मल डेटा स्टोर होता है इसके अंदर, ठीक है। उस डेटे की इंफॉर्मेशन, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके बेनिफिट्स, उसके इसके अलावा अगर आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपकी जो है वो जिसे कहते हैं सारा रिकॉर्ड, पूरी लाइफ का रिकॉर्ड अगर कोई ढूंढना चाहे तो वो इसमें बड़ी आसानी से ढूंढ सकता है। ये एक हाईली सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है जो केबलिंग के थ्रू इंटरकनेक्टेड है। और अगर आप किसी इंसान को लोकेट करना चाहो और जिसे कहते हैं कि उसको अरेस्ट करना चाहो या किसी क्राइम को कंट्रोल करना चाहो तो वो बहुत इजीली अब हो जाता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से एक ही केबल है जिस पे ये इंटरलिंक्ड हैं सारे। ये इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है आईसीटी की, राइट। और इसीलिए हम स्टूडेंट्स को ये पढ़ाते भी हैं और अब सिखाते भी हैं, ताकि उनके लिए भी इस मौसम में एडजस्ट होना प्रॉपर प्रोडक्टिविटी के साथ और एफिलिएट होना, ये एक बहुत ज़रूरी आंसर है, ठीक है। और वो तभी एक प्रोडक्टिव सिटीज़न बनते हैं जब उनको हर लिहाज से कंपनी दी जाए, फैसिलिटेट किया जाए, हेल्प आउट किया जाए। अच्छा, अब है जी फंक्शंस ऑफ आईसीटी। फंक्शन आईसीटी के क्या हैं? एक तो पहली बात कि इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है, या ई लर्निंग और ई कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है, ठीक। इसमें आपको जैसे पहले बताया टेलीफोन आ जाएंगे, कंप्यूटर्स आ जाएंगे, लैपटॉप, मोबाइल और एक और एड ऑन चीज़ कर लें, रोबोट, ठीक है। रोबोट हमारी कंट्री में ज़रूर यूनिक हैं, लेकिन इंटरनेशनली अगर आप देखें तो बहुत से ऑफिसेज में, बहुत से स्टोर्स में वो रोबोट से काम लेते हैं लोग, ठीक है। जो उनके ओनर्स हैं उन्होंने रोबोट्स के अंदर डिफरेंट जो है वो टेक्नोलॉजीज जो हैं फिक्स की हुई हैं। रोबोट इंसान की जगह काम करता है और सारों को फैसिलिटेट करता है। ये डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरह की इंफॉर्मेशन इनबिल्ट रखी हुई है रोबोट के अंदर और वो किस तरह से आगे ट्रांसफ़र करता है या काम करता है, राइट। कुछ लोगों का ये कहना है कि आगे 15-20 सालों बाद रोबोट की जो मांग है या जो रोबोट का फंक्शन है वो इतना एडवांस हो जाएगा कि इंसानों से लोग काम लेना छोड़ देंगे और सारी जगह रोबोट्स ही फिक्स होंगे, क्योंकि ना तो वो बेईमानी कर सकते हैं, ना वो काम चोरी कर सकते हैं, ना वो झूठ बोल सकते हैं। तो हर प्रोफेशनल, हर फैक्ट्री, हर बंदा ये चाहेगा कि उसके पास जो एम्प्लॉयज़ हों वो रोबोट्स हों,
تاکہ ان کو ہیومن ایرر جو ہیں, ہیومن کباہتیں ہیں, ان سے بچا جا سکے. رائٹ. سو ہمارا جو فنکشن ہے آئی سی ٹی کا وہ یہ ہے کہ اس میں ڈیٹا سٹور بھی ہوتا ہے, ہم ڈیٹا ریٹریو بھی کر سکتے ہیں اور ہم ڈیٹا ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. یہ تین مین فنکشنز ہیں آئی سی ٹی کے. ٹھیک ہے. اب یہ کسی طرح کی بھی انفارمیشن ہو سکتی ہے جو ہم نے سٹور بھی کی, پھر ہم اس کو ریٹریو بھی کر سکتے ہیں, پھر ہم اس کو ریپلیس اور چینج بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم اس کو ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک. تھرو الیکٹرانک میڈیم, تھرو الیکٹرانک وے. رائٹ. الیکٹرانک اور ای انفارمیشن اور کمیونیکیشن کے تھرو ہم یہ سارا کام کرتے ہیں. ٹھیک. الیکٹرانک جو وے ہے, الیکٹرانک جو ریزنز ہیں, یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہیں اور کمپریہنسو ہیں. ان کے تھرو ہم بہت پازیٹیوٹی لائف میں لا سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں, اس کو جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سو یہ اس کے مین فنکشن ہیں, چاہے وہ پرسنل ہوں, چاہے آفیشل ہوں, چاہے سوشل ہوں, چاہے ایجوکیشنل ہوں. رائٹ. تو ہماری یہ نیڈ پہ اور ڈیمانڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح کے سیٹ اپ میں انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی سے کیا کام لے رہے ہیں. اچھا, انٹر پرسنل انفارمیشن اینڈ میتھ. رائٹ. پیوش ماتھر ایک ہندو ہیں جنہوں نے 21st century میں جو ہے وہ آئی سی ٹی کا مین فنکشن یہ بتایا کہ یہ انٹر پرسنل انفارمیشن بھی ساری ریکارڈ کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے میتھ کی انفارمیشن بھی رکھتا ہے. ٹھیک. یہ کوئی ہندو ہوں گے, آئی ڈونٹ نو امیرکا میں تھے, انڈیا میں تھے, کہاں تھے, اتنی انفارمیشن نہیں ہے مجھے, لیکن آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ ہندو جو ہیں, انڈینز جو ہیں, وہ آئی ٹی میں بہت آگے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری نسبت یہ انفارمیشن کمیونیکیشن میں کافی ایڈوانس لیول پہ چلے گئے ہیں, تبھی یہ پوری دنیا کی نیٹ ورکنگ میں کام کر رہے ہیں. آپ اگر اندازہ کرو تو باہر کی کنٹریز میں اگر آپ جاتے ہو آئی سی ٹی کا کوئی ڈگری لے کے, کوئی کام لے کے, تو اس کی بہت ڈیمانڈ ہے آئی سی ٹی کی. ٹھیک ہے. اور ہر جگہ پہ, آپ فورن کنٹریز میں, چاہے آپ ایسٹرن میں جاؤ, ویسٹرن میں جاؤ, امریکہ جاؤ, یورپ جاؤ, ہر جگہ پہ آئی سی ٹی ایک بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے جس میں جو ہے وہ کافی آپ کو جابس بھی مل جاتی ہیں اور کافی اس کا سپورٹ بھی ہے. سو ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ 21st century میں ماتھر صاحب نے یہ ایڈوانسمنٹ لائی, یہ نو ہاؤ دنیا کو دیا کہ خالی یہ سٹور جو ہے وہ آئی سی ٹی صرف ڈیٹا سٹور نہیں کرتا, صرف ریٹریو نہیں کرتا, صرف چینج نہیں کرتا, ٹرانسفر نہیں کرتا, یہ انٹر پرسنل انفارمیشن بھی دیتا ہے اور میتھ کو بھی کنٹرول کرتا ہے. رائٹ. تو اس لحاظ سے یہ کافی یوزفل چیز ہے. اور اب آپ کو, اسی لیے میں نے پہلے بھی ڈسکس ایک دفعہ کیا تھا جب ہم نیو ٹرینڈز اور پچھلے چیپٹر میں کمپیوٹر اسسٹڈ ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر بیسڈ ٹیکنالوجی اس طرح کی چیزیں پڑھ رہے تھے, تو اس میں ہم نے ان ڈیٹیل یہ ڈسکس کیا ہے کہ کمپیوٹر اسٹڈیز اب پوری دنیا میں کمپلسری ہو گئی ہیں فرام کنڈر گارڈن ٹو K-12. ٹھیک ہے. اس کے بعد یونیورسٹیز میں جا کے اس سب کو اسٹوڈنٹ کے اس نے کون سا پروفیشن لینا ہے, وہ اس میں اس نے کس طریقے سے آئی سی ٹی کو یوٹیلائز کرنا ہے یا کمپیوٹر کو یوٹیلائز کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے K-12 تک مختلف طرح کی پروگرامنگ, مختلف طرح کا کام جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے لیے کمپلسری ہے. کمپیوٹر سبجیکٹ بھی ان کے لیے کمپلسری ہے سنس کنڈر گارڈن ٹو K-12.
तो इससे हमें इम्पोर्टेंस पता चल सकती है कि जहाँ हम इंग्लिश, उर्दू, मैथ एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अब हमें कंप्यूटर साइंस भी पढ़ना है। जी, एपिमियोलॉजी ऑफ आईसीटी। जी, तो आईसीटी जो स्टार्ट हुई, जो इसकी हिस्ट्री थी, वो हुई 1980s में, ठीक है। फिर पूरी दुनिया में ये पॉपुलर होने लगी। 1997 में ये एकेडमिकली स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में भी इंट्रोड्यूस कराई गई। उसके बाद 2000 में जो है ये फ्लरिश करने लगी इन स्कूल, कॉलेजेस एंड द सिलेबस। फिर 2012 में जो है वो कुछ प्रोफेशनल्स ने इस पर एतराज़ किया कि आईसीटी टर्म जो है वो डिफरेंट मैनिपुलेशन और डिफरेंट ज़रा बैड चीज़ों में भी आ जाती है, तो आप इसका नाम चेंज करें। फिर 2014 में इसको इंग्लैंड के अंदर रॉयल जो कमेटी थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसे कंप्यूटिंग का नाम दी जाए, और सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में इसको एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ाया, ठीक है। तो ये 2014 में मेनली जो है सबसे ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो इसका नाम चेंज करके इसको यूनाइटेड किंगडम में एक एकेडमिकली ठोस सब्जेक्ट मान के फ्लरिश किया गया। वैसे स्टार्ट ये 1980s में हुआ, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में 1997 में चलने लग गया, 2000 में प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट आया, 2012 में इसके नाम, इसकी टर्म पे एतराज़ हुआ, और 2014 में इसका नाम चेंज करके कंप्यूटिंग रखा गया, और इंग्लैंड के अंदर इसको हर स्कूल कॉलेज में कंपलसरी रखा गया। यूनाइटेड नेशंस ने भी 2014 में ये चीज़ डिसाइड की कि हाँ जी, ये इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, और पूरी दुनिया में जितने फंक्शंस होते हैं जो हमें स्टोर भी करने हैं और फिर हमें रिट्रीव भी करने हैं, उसके अलावा हमें कई दफ़ा डाटा ट्रांसफ़र करने हैं, बेशुमार जो हमारी चीज़ें हैं वो आईसीटी के थ्रू ही होंगी। तो फिर यूनाइटेड नेशंस ने भी आईसीटी को एक प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू एक्सेप्ट कर, राइट। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में राइज हो चुकी है, और हर कॉलेज, हर स्कूल, यूनिवर्सिटी में इसको बहुत प्रोफेशनल तरीके से अडॉप्ट किया जाता है। पूरी लैब्स बनाई गई हैं हर स्कूल में, और पूरे जो है प्रोफेशनल टीचर उनके लिए रखे गए हैं। नो डाउट ये बहुत पुरानी फील्ड नहीं है, अगर आप स्पेशल एजुकेशन में देखें तो इसमें तो बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है, ठीक है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि स्पेशल बच्चे, चाहे हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं, चाहे इंटेलेक्चुअल डिसेबल हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं, वो आईसीटी में बहुत फ्लरिश कर सकते हैं। डिफरेंट ऑगमेंटेटिव टूल्स अब अवेलेबल हैं जिनके थ्रू, सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू वो एक नॉर्मल बंदे की तरह इस पर जो है राइट डाउन भी कर सकते हैं, इसके अलावा लिसन भी कर सकते हैं, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, और कोई ना कोई जॉब भी कर सकते हैं जो भी चीज़ उनको समझाई या सिखाई जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं कि आखिर हमने किस तरीके से जो है वो आईसीटी को एक्नॉलेज करना है, और फिर अपनी स्पेशल एजुकेशन फील्ड में बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना है, उनको ट्रेंड करना है, और उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में इसे इम्पोज करना है। होपफुली बच्चों, आज का लेक्चर आपको अच्छा सा समझ आ गया होगा, आपको न्यू ट्रेंड्स और चैलेंजेस का अंदाज़ा हुआ होगा कि आखिर वो कौन कौन से हैं, किस किस तरीके से दुनिया में चल रहे हैं, और इन पाकिस्तान भी हमें किस तरह से इसको अपनी फील्ड स्पेशल एजुकेशन में इंट्रोड्यूस कराना चाहिए और फिर बच्चों को यूटिलाइज कराना चाहिए।
राइट। आज हमारा पूरा कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को सारी लेक्चर्स यूट्यूब पे भी चले गए हैं, पीडीएफ भी मैंने शेयर कर दी हैं अलोंग विद पीपीटीज। तो अब आपका काम है कि आप इनको पढ़ें, समझें, और मैं लेक्चर्स तो आपको साथ साथ डिलीवर कर ही रही हूँ व्हाट्सएप पे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन इजीली और कंफर्टेबली डिस्कस विद। ओके क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।